तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे हेमेटेनिक सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यूज बहुत सारे समस्याओं में किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति दुबला पतला हो, खाना ना लगता हो, भूख ना लगता हो, वजन ना बढ़ता हो, गाल पिचके हो, शरीर जो है दुबला पतला हो। इन सारी समस्याओं में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज जो सिरप है, हेमेटेनिक सिरप है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसको कि आप डेक्सोरेंज सिरप के नाम से जानते हैं। जो डेक्सोरेंज सिरप है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत सारे लोग जो हैं डेक्सोरेंज सिरप को बहुत अच्छी दवा मानते हैं ताकत के लिए भी। यानी आज हम इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, जैसे कि इनका यूज कब और कहाँ कहाँ करते हैं, इसका डोज क्या होता है, कितने दिनों तक इसको लेना होता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसका प्राइस क्या है और ये कैसी पैकेजिंग में आते हैं। और जैसा कि हमने डेक्सोरेंज कैप्सूल का एक वीडियो बना रखा है, डेक्सोरेंज कैप्सूल भी आता है जिसका हमने वीडियो बना रखा है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो क्या हम इस सिरप को डेक्सोरेंज कैप्सूल के साथ भी ले सकते हैं या नहीं, और इन दोनों सिरप और कैप्सूल में दोनों कौन बेहतर है, तो जानेंगे सारी जानकारियाँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहती है। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो डेक्सोरेंज सिरप है वो एक प्रकार की हेमेटेनिक सिरप है, यानी हेमेटेनिक ड्रग्स है, जिसका यूज ब्लड फॉर्मेशन में किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार के एनीमिया हो, या अभी हम इनके यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस आप बस इतना जान लीजिए कि एक प्रकार का हेमेटेनिक ड्रग्स है, हेमेटेनिक सिरप है, जो कि एक कांच के बॉटल में आती है। ये जो सिरप है वो कांच की बॉटल में आती है। अब इसका जो प्राइस है वो 174 के पास में चला गया, यानी कि लगभग अब इनका जो प्राइस है वो 174 में आता है, 174 रुपये में इसकी एक बॉटल आती है। अब हम इनके कंपोजिशन के बारे में बात कर लें कि इसमें जो हमारी सिरप है इसमें कौन कौन से कंपोजिशन मिले होते हैं। तो इनमें जनरली फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो है वो 160 mg होता है। इसके साथ साथ इसमें साइनोकोबालामीन जो कि आपका 7.5 mcg माइक्रोग्राम, यानी 7.5 माइक्रोग्राम हमारा साइनोकोबालामीन होता है। इसके साथ साथ इसमें फोलिक एसिड होता है 0.2 mg, और इसमें एक चीज़ और मिला होता है जो कि होता है एल्कोहल 95%, यानी कि 95% प्योर एल्कोहल इसमें मिलाया जाता है, जो कि 0.87 ml होता है 15 ml में। जितने भी अभी हमने कंपोजिशन देखा है वो सारे 15 ml में अवेलेबल होते हैं। यानी अगर आप 15 ml जो सिरप है उसको पी लिया तो उसमें आपको जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है वो आपको 160 mg मिलेगा, साइनोकोबालामीन 7.5 mcg, और फोलिक एसिड 0.2 mg, और जो हमारा एल्कोहल है वो 0.87 ml आपको मिल जाएगा। तो ये हो गए कुछ उनके कंपोजिशन के बारे में। अगर बात कर लें कि ये जो एल्कोहल है वो केवल सिरप में ही आता है, कैप्सूल में जो एल्कोहल है उसकी मात्रा नहीं होती है, कैप्सूल में जो एल्कोहल है वो नहीं आता है। इसलिए अगर बात करें तो कैप्सूल से जो सिरप है वो बेहतर है, कैप्सूल से जो सिरप है वो अच्छा है, अच्छा वर्क करेगा पेशेंट के लिए। अब हम इनके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका यूज कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं। तो इनका जनरली जो यूज है वो एनीमिया में करते हैं, एनीमिया में, और जैसे जो स्किन है उनको ग्लो करने के लिए, ग्लो में, वेट को बढ़ाने में, आयरन की कमी है, आयरन की डिफिशियंसी है आयरन को बढ़ाने में, अगर बॉडी में B12 जो विटामिन है उनकी कमी है तो उनको बढ़ाने में, भूख के लिए इनका यूज किया जाता है, साथ ही साथ RBC की कमी हो उसमें इसका यूज किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमन हो उनमें इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ हो, अगर उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो तो उसमें इनका यूज किया जाता है, एक्सीडेंटल केस एक्सीडेंट हो गया हो उनमें ब्लड लॉस हो गया हो तो एक्सीडेंटल केस में उनका यूज किया जाता है, कुपोषण में, भूख न लगना, कमजोरी, चक्कर, बैठने के बाद उठने पर आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाना और चक्कर आना, इस केस में कम वजन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसी सारी समस्याएं होती हैं। तो इस केस में भी जो हेमेटेनिक
सिरप डेक्सुरेन सिरप है इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर पेप्टिक अल्सर है, बवासीर है, पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में GIT में कोई दिक्कत हो गया हो या बवासीर है तो उनमें भी इनका यूज किया जाता है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर और बवासीर में भी जो ब्लड लॉस है वो बहुत तेज़ी से होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी बड़ा से बड़ा बीमारी है जिसमें ब्लड लॉस होता रहता है, जो ब्लड की कमी है वो हमेशा होती रहती है, तो उसके लिए इसका यूज रेगुलर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर खून से होने वाले किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, खून से होने वाले जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो ये हो गए उनके कुछ यूजेज के बारे में, यानी कि इतनी सारी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छी सिरप है, इसका नॉर्मली कोई भी यूज कर सकता है। अब बात करें इनके साइड इफेक्ट के बारे में, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसी कोई भी ड्रग नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, हल्का फुल्का या थोड़ा बहुत तो सभी ड्रग्स के साइड इफेक्ट हो रही हैं। तो अब इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जनरली इनको लेने से नोजिया, वोमिटिंग, जो स्टूल हैं वो ब्लैक हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं उनके जो टेस्ट हैं वो भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं, जो टेस्ट हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ स्लीपीनेस, यानी कि जैसा कि आपको पता है इसमें एल्कोहल है, तो पेशेंट को लेने पर कुछ पेशेंट को स्लीपीनेस यानी कि नींद जैसा भी लगने लगता है। अब बात कर लें इनके डोज के बारे में, इनका जो डोज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने mg पर kg या कैसे पेशेंट को देते हैं। एडल्ट के लिए बात कर लें तो एडल्ट में 15 ml दिन भर में एक बार या ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर दिन भर में दो बार पेशेंट को दिया जा सकता है। खाना खाने के बाद, 15 ml सुबह और 15 ml शाम को ज़्यादा प्रॉब्लम को दिया जा सकता है, नहीं तो दिन में केवल एक बार भी लेने के लिए डॉक्टर जो है वो प्रीफर करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात कर लें कि कैप्सूल के साथ इसको हम ले सकते हैं, तो नहीं, कैप्सूल में भी वही कंपोजिशन है, वही कॉम्बिनेशन है जो इसमें है, तो हम इसमें से केवल एक ही को चूज करेंगे, या तो कैप्सूल या तो सिरप। लेकिन एक कैप्सूल जो 15 ml हमारा सिरप है उसके बराबर होगा, एक कैप्सूल के बराबर हमारा 15 ml जो सिरप है वो होगा। बस कैप्सूल में हमको एल्कोहल नहीं मिलेगा, इसलिए जो सिरप है वो बेस्ट है कैप्सूल से, इसलिए जो डॉक्टर हैं वो जनरली सिरप ही लेने के लिए प्रीफर करते हैं। अगर बात कर लें तो जो ये सिरप है हिमेटिनिक डेक्सुरेन सिरप है, इसका यूज 6 साल से बड़े बच्चों में ही किया जाता है, 6 साल से ऊपर के लेकर व्यक्ति में किया जाता है, 6 साल से नीचे के बच्चे को हम ये सिरप नहीं देते हैं। अगर बच्चा 6 से 8 साल का है तो उसको 5 ml, और यदि 8 से 14 साल का है, 14 साल का, तो उसको 10 ml तक दिया जा सकता है। और जो बच्चे 14 से ऊपर के हैं उनको जनरली 15 ml ही जो डॉक्टर हैं वो प्रीफर करते हैं। और इसका जनरली जो यूज है वो 1 से 3 महीने तक किया जाता है। इतने में जो भी समस्याएं होती हैं वो सारे समस्याओं से समाधान मिलता है, और जितने भी प्रकार की परेशानियां हैं उनसे रिलीफ मिलता है। 1 से 3 महीने तक यूज करने में जो पेशेंट हैं वो अच्छे रिस्पॉन्स पाते हैं। इसके साथ साथ बात कर ले तो इनको जो ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनको ये सिरप नहीं दिया जाता है, क्योंकि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये थी हिमेटिनिक सिरप डेक्सुरेन सिरप के बारे में छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, हम भी ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।